So hello students, now today I have to start the next topic in the chapter some basic concept of chemistry, that is empirical formula and molecular formula. ठीक बेटा, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ा और उसके पीछे हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखे. ठीक है, कैसे हमने ब्रीफ हिस्ट्री बताई आप लोगों को, किसके बारे में, आपका एटॉमिक मास के बारे में, कि एटॉमिक मास पहले हमारा कैसे कैलकुलेट हुआ करता था. ठीक है ना, आज हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन का ही टॉपिक है जो कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला कहलाता है, उसके ऊपर पढ़ते हैं. तो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, क्या चीज, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला. तो बेटा अगर हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला की बात करेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला इज नथिंग बट an empirical formula represents the an empirical formula represents the simplest whole ratio of element present in a given compound given compound. ठीक है, empirical formula क्या है, empirical formula आपका simplest whole ratio को represent करता है present in a given compound. For example मैं तुमको देता हूँ, that is let us suppose example में लिखा हुआ है C2H4. C2H4 का simplest whole ratio निकालोगे, देखो 2 से divide हो रहा है तो this is CH2. ठीक है, देखो और एग्जांपल ले लो, C6H12O6 की बात करेंगे, देखो सब किससे डिवाइड हो रहा है, 6 से, तो यानी ये बचेगा CH2O, दिस इज व्हाट. तो ये दोनों क्या है आपके, यही दोनों आपके क्या है, आपके एम्पिरिकल फार्मूला है बेटा. क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला. आ रही बात समझ, तो हमें पता लगा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, हमने ये देखा क्या होता है बेटा, सिंपलेस्ट होल रेशियो of atom present in a given compound. ठीक है, और अब नेक्स्ट आते हैं आपका मॉलिकुलर फार्मूला, क्या चीज, मॉलिकुलर फार्मूला. तो मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है ये भी देख लेते हैं. मॉलिकुलर फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें अगर तुम देखो, अगर यहां पर देखो जैसे C6H12O6 लिखा हुआ था, तो C6H12O6 में यहाँ पास ये क्या है तुम्हारा मॉलिकुलर फार्मूला, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड. बट अगर मैं इसका सिंपलेस्ट होल रेशियो निकालता तो CH2O आ जाता, तो दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड दिस इज व्हाट, मॉलिकुलर फार्मूला. ठीक है, तो ये था आपका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला का डेफिनेशन. ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला का बेटा डेफिनेशन. तो वो इसको आप नोट कर लीजिए. ठीक है, चलो देखते हैं बेटा नेक्स्ट यहाँ पास अब कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे अपने कॉमन लाइफ में. अब देखो, अगर नोट करके लिखना है, ठीक है, क्या करना है, नोट करके लिखना है. चलो यहाँ पास नोट करके लिखो, दो पॉइंट्स लिखो हम नोट करके. इफ molecule, if mass percentage of element is given, its empirical formula is calculated. अगर हमें किसी भी element का mass percentage दिया रहेगा, अगर हम लोग किसी भी element का mass percentage दिया रहेगा तो इट्स व्हाट बेटा, इट्स
empirical formula is calculated. It's empirical formula calculated. आसानी से हम लोग उसका क्या निकाल लेंगे, empirical formula निकाल देंगे, ठीक है, ये आसानी से उसका हम लोग क्या कर लेंगे, empirical formula निकाल लेंगे, ठीक है। तो बस केवल हमें क्या पता रहे, बस हमें मास परसेंटेज पता रहे, और मास परसेंट अगर एलिमेंट का दे दिया हमें तो हम लोग इंपेरिकल फार्मूला आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। और मॉलिकुलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉलिकुलर फार्मूला इज डिटरमाइंड इफ मोलर मास इज गिवन, इफ मोलर मास इज गिवन, अगर हमें मोलर मास दिया होगा तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे आपका क्या चीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो हम लोग देखें, अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे कि कैसे हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो आओ देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी कंपाउंड में अगर गिवन हो तो, ठीक है। आओ हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से हम लोग इस एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे टॉपिक को हम लोग समझते हैं। तो आओ देखते हैं, तो बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन दिया, ए कंपाउंड कंटेन्स कितना, 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% ऑफ कार्बन, 24.27% ऑफ कार्बन एंड 71.65% ऑफ क्लोरीन ठीक। तो तुम्हें ये डाटा दे दिया है, क्या डाटा दिया है कि आपका 4.07% आपका हाइड्रोजन है, 24.27% आपका कार्बन है और 71.65% आपका क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। इट्स मोलर मास इज 98.96, इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम, मोलर मास दे दिया हुआ, ठीक। व्हाट इज द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट इज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या होगा, ठीक। तो बेटा यहाँ पास हम पहले क्या कर लें, हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, क्या कर लें, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, और नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगर हम लोग गिवन मास अपॉन मोलर मास अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये देखें आसानी से, ठीक है। तो पहले लेट अस सपोज टोटल कोई भी कंपाउंड होगा तो टोटल 100% ही तो होगा, ठीक, तीनों को प्लस करोगे 100 आएगा। तो यहां पर लेट टोटल मास ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड लिया है इसने, टोटल मास कंपाउंड का हमने 100 ग्राम मान लिया, ठीक, 100 ग्राम अगर मान लिया तो जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका हाइड्रोजन कितना दे देगा, 4.07 ग्राम, कार्बन कितना हो जाएगा आपका 24.27 ग्राम, और क्लोरीन कितना हो जाएगा बेटा 71.67 ग्राम, ठीक, ये तुम्हारा गिवन मास हो गया। तो हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर देखो फॉर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकला कि नहीं, हमारा एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट हो गया तो हमें गिवन मास का पता लग गया। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स आपका होता है
गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो हम लोग हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो गिवन मास कितना है 4.07 और मोलर मास कितना होता है 1, तो ये भी अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 ग्राम, 4 मोल, कितना आ जाएगा 4 मोल। ठीक, हम लोग कार्बन के लिए निकालेंगे तो गिवन मास कितना है 24.27 अपॉन मोल, इसका मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है इसका 12, तो इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक, आप हम लोग इसका निकालते क्लोरीन का, तो क्लोरीन का निकालोगे तो यहाँ पास इसका गिवन मास कितना 71.65 अपॉन मोलर मास कितना 35.5, ये भी अप्रॉक्स कितना आ जाएगा आपका 2। तो सबका तुमने क्या कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया तुम्हारा काम हो गया आसान, कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक, कार्बन का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है आपका 2, हाइड्रोजन का कितना दिया 4 और ये 2, सिंपल होल रेशियो निकालोगे तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यानी बन गया CH2 और Cl, दिस इज योर एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या है बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, आ रही बात समझ, ये देखो CH2 और Cl क्या आ गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, आया समझ में। बहुत आसान तरीका था आपका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब हमें आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है, क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है, तो इसको मिटा दूं मैं, चलो क्वेश्चन मिटा देता हूँ। अब देखो अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है इसमें, तो मोलर मास कितना दिया हुआ है, हमने कहा था ना मोलर मास पता हो तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। मोलर मास कितना दिया हुआ, 98 पॉइंट कुछ दिया हुआ था शायद, ठीक है समथिंग, जो भी 98.96 अप्रॉक्स दिया था। और एम्पिरिकल फार्मूला मास तुमने कितना निकाला, एम्पिरिकल फार्मूला मास ये कितना निकाला आपने, एम्पिरिकल फार्मूला मास अभी कहाँ कैलकुलेट कर लिया, एम्पिरिकल फार्मूला मास अब कैलकुलेट कर लो, एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, अब इसी का मास कैलकुलेट कर लो तो C+2 × H+Cl। ठीक, कार्बन कितना 12 और ये 2 × 1 प्लस कितना बेटा 35.5। ठीक, ये आपका आ जाएगा 49.5 के अप्रॉक्स, कितना आ जाएगा 49.5 के अप्रॉक्स। ठीक है, क्या नहीं यहाँ पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया 49.5। ठीक, अब तुम्हें देखो, अब तुम्हें क्या कर लेना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना। तो एक चीज, एक फॉर्मूला छोटा सा ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला टू द बेस एन। ठीक है, ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला टू द बेस एन। एन कैसे निकालोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो पता था कि जो भी मोलर मास दिया होगा अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक, मोलर मास कितना दे दिया 98.96, एम्पिरिकल फार्मूला मास 49.5, डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या दिया था बेटा, CH2Cl, और यहाँ पास n की वैल्यू कितनी आ गई 2, मल्टीप्लाई कर दो इट बिकम C2H4Cl2 एंड दिस इज द व्हाट, मॉलिक्यूलर फार्मूला, यही क्या है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, आ रही बात समझ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, आसान था। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही पता लग जाएगा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स जैसे ही पता लग जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा, और फिर एन की वैल्यू कैलकुलेट करना, एन की वैल्यू जब कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हें क्या पता लग जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिटा दें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्वेश्चन है कैलकुलेट द
मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द सोडियम सल्फेट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट ठीक प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट की बात करेंगे तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है आपका Na2SO4 ठीक। तो मैं क्या करना है मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज। तो अगर तुम्हें मास परसेंटेज बेटा जी कैलकुलेट करना है तो पहले आप टोटल मास निकाल लो। क्या कैलकुलेट कर लो टोटल मास। तो टोटल मास कैलकुलेट करोगे तो Na2SO4 था ठीक है। दिस इज 2 इनटू Na प्लस S प्लस 4 इनटू O ठीक। दिस इज 2 इनटू 23 प्लस सल्फर कितना 32 प्लस 4 इनटू कितना 16 ठीक है। इसको जब तुम सम अप करोगे तो सम अप करने पर आप सम अप कर लो। सम अप करने पर कितना आएगा 142 ग्राम कितना आएगा 142 ग्राम कितना हो जाएगा ये 46 प्लस 32 प्लस 16 फोर जा ये आ जाएगा 146 ग्राम। देखो सही ये हो गया 110 सही। और 110 में आप 32 प्लस करोगे 110 में आप 32 प्लस करोगे तो ये 142 आ जाएगा बेटा कितना आएगा 142 ठीक। अब तुम्हें क्या करना है परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमने कहा था कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर तुम्हें परसेंटेज निकालना है Na2 का ठीक है तो इसका टोटल मास कितना 46 अपॉन टोटल मास कितना 142 मल्टीप्लाइड बाई 100। सल्फर का परसेंटेज निकालना है तो सल्फर के परसेंटेज के लिए ये कितना हो जाएगा 32 अपॉन 142 मल्टीप्लाइड बाई 100 ठीक। और अगर हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है तो ऑक्सीजन का कितना 64 अपॉन 142 मल्टीप्लाइड बाई 100 ठीक है। तीनों को बेटा सॉल्व कर लेना तुम्हें परसेंटेज निकल आएगा। और तुम्हें डाउट होगा कि हमने सही निकाला है कि नहीं तो जो भी परसेंटेज आया है उसको ऐड कर देना। ऐड करने पर 100 आना चाहिए। अगर 100 नहीं आया तो तुमने गलत किया है और अगर 100 आया है तो इसका मतलब तुमने जो परसेंटेज निकाला है वो क्या निकाला है सही निकाला है ठीक है। तो ये बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल था किससे रिलेटेड आपका परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है डिटरमाइन द क्या दिया है बेटा चलो लिख लेते हैं इसको नोट कर लो आप लोग नोट कर लो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। एंड द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन कंपाउंड एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड का ठीक है जिसमें दिया हुआ है ऑफ एन कंपाउंड एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच है एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाय मास ये रहा क्वेश्चन आपका ठीक है। क्या दिया हुआ है बोला है क्वेश्चन डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% of dioxygen by mass ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। और हमने कहा था क्वेश्चन अगर बहुत आसान है ठीक तो क्वेश्चन में जो भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा उसको पहले आप लोग क्या कर लो 100 मान लो। क्या कर लो 100 मान लो। तो अब देखो अगर हम लोग 100 मानेंगे
क्या करना है, 100 मारना। तो लेट मिटा देते हैं इसको, नोट करिएगा। लेट टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड एच पर कितना बेटा, 100 ग्राम। कितना ले लिया, 100 ग्राम ले लिया। ठीक, अब 100 ग्राम लेने के बाद आप क्या करो, तो अगर 100 ग्राम ले लिया तो उसके हिसाब से आयरन कितना हो गया, आयरन आपका हो गया 69 पॉइंट, आयरन यानी Fe कितना हो गया 69.9 ग्राम, और ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 30.1 ग्राम। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो, तो नंबर ऑफ, अगर तुम्हें मोल्स कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए, फॉर Fe, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना बेटा 69.9 अपॉन मोलर मास होता है 55.5। ठीक, आयरन का आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पास आपका आ जाएगा 1.25 मोल्स। ठीक, और फिर जब आप ऑक्सीजन का कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीजन का गिवन मास दिस, ठीक है, और उस तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पास इसका ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 60। ठीक, जब इसको आप डिवाइड करोगे दिस बिकम्स 1.88 मोल, कितना 1.88 मोल। ठीक, अब तुम Fe ऐसे लिख लो, यानी अब तुम्हारे पास ये रहा Fe, ये रहा ऑक्सीजन। ठीक, अब तुम्हारे पास ये कितना है बेटा 1.25, और ये रहा 1.88। मैंने कहा था जो भी हो उसी के बेस में लिख कर फॉर्मूला लिख दो। तो यहाँ पास अब अगर तुम देखो ध्यान से, अगर यहाँ पास 0.5 दोनों तरफ से कम कर दिया जाए, 0.25 0.425, देखो ध्यान से, सही है ना, 0.25, क्योंकि आपका जो मॉलिकुलर फार्मूला होगा या एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर में होगा, पर पॉइंट में तो बेस लिखोगे नहीं। तो यानी यहाँ पास ये लिखो, अगर तुम 0.5 डिग्रीज कर दो तो ये रहा 1 और ये रहा 1.5। ठीक, अब देखो अब भी पॉइंट में आ रहा है, अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स 2 और इट बिकम्स 3। अब सही है ना, अब क्या लिख सकते हो, द एम्पिरिकल फार्मूला इज Fe2O3। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा आपका, Fe2O3 हो जाएगा। आ रही बात समझ, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला किसके लिए बेटा, आयरन ऑक्साइड के लिए, एन ऑक्साइड ऑफ आयरन ही तो पूछा था आप लोगों से। ठीक, समझ में आया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला। ठीक है, अब हमें जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है वो आपका स्टॉइकोमेट्रिक के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में, स्टॉइकोमेट्रिक के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आप केमिस्ट्री में स्टॉइकोमेट्रिक का। ठीक, तो आज हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए, न्यूमेरिकल्स देखे। चलो बेटा, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। हो सकता है नेक्स्ट आपकी क्लास में ये चैप्टर एंड हो जाए, क्योंकि बहुत थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है और CBSE ने कुछ पोर्शन डिलीट भी किया, लेकिन क्योंकि CBSE ने कुछ पोर्शन डिलीट किया है तो वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था तुम्हारे IIT JEE और NEET के सिलेबस के लिए, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा, ताकि आप उससे रिलेटेड IIT JEE और NEET का क्वेश्चंस लगाते रहो। आपके जो होम एग्जाम है, होम एग्जाम में आपका वो 30% सिलेबस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।